फिटनेस के लिए इस दुनिया में एक सवाल अभी तक पूछा नहीं गया, क्या बॉडी बिल्डर्स फिटनेस के एपिटोम है? बॉडी बिल्डर्स को उनके स्कल्प्टेड लुक और मस्कुलर दिखने वाले मसल्स के लिए हमेशा ही प्रशंसा मिलती रहती है, लेकिन सरफेस के नीचे एक सच हमेशा छुपा रहता है। आमतौर पर बॉडी बिल्डर्स अपने मास को बढ़ाने में ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को बलिदान देना पड़ता है। बॉडी बिल्डर्स अपने मसल्स को बनाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते हैं, लेकिन क्या ये उनके ओवरऑल हेल्थ और उनकी लॉन्ग टर्म लाइफ को बढ़ाता है? डिहाइड्रेशन एक रेगुलर लड़ाई है और उनके शरीरों को सीमा के पार तक धकेला जाता है। खेल का डार्क साइड, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल, ये कुछ बहुत सीरियस सवाल उठाता है। उनकी हार्ड डाइट्स उनके शरीर को पुश तो जरूर करती है, लेकिन क्या उनके शरीर को पोषित करती है? अगर ये सारी बातें ध्यान में लें तो हमारे मन में आता है कि बॉडी बिल्डर्स फिट नहीं है, लेकिन अगर बॉडी बिल्डर्स ही फिट नहीं है तो फिर कौन है? ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे मोटा आदमी अपने कपड़ों में फिट हो जाता है, वैसे ही एक मस्कुलर बॉडी बिल्डर आदमी भी अपने कपड़ों में फिट रहता है। जैसे कि एक मोटे आदमी के शरीर में ज्यादा फैट होता है, उसी तरह एक मस्कुलर आदमी के शरीर में ज्यादा मांसपेशियां होती है, लेकिन दोनों ही ओवरऑल फिट नहीं कहलाएंगे। एक नॉर्मल आदमी की फिटनेस को सिर्फ बाहर बाहर से पहचान लेना ये हर बार संभव नहीं हो सकता, क्योंकि फिटनेस जो है वो मसल की स्ट्रेंथ, हार्ट रेट, फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी संरचना और ये सारे बहुत अलग अलग वेरिएशंस और फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। हाउएवर कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिनको यदि हम देखें तो एक सामान्य व्यक्ति की सामान्य फिटनेस को जज कर सकते हैं। सबसे पहले होती है शारीरिक संरचना। एक बैलेंस शरीर ही एक स्वस्थ शरीर होता है। कई लोगों के मसल्स का डेवलपमेंट अच्छे से देख पाएंगे। मसल्स का डेवलपमेंट फिटनेस का इंडिकेशन है, बट ऐसा भी हो सकता है कई बार कि आपके शरीर में प्रॉपर मसल दिखाई न दे। साथ ही में एक रेंज होती है वेट की, यदि आप उसमें भी फॉल होते हैं तो आप फिट है। आकृति यानी स्टेचर, एक फिट आदमी चाहे खड़ा रहे चाहे बैठा रहे वो देखने में ही फिट दिखाई देगा। त्वचा मतलब स्किन, एक स्वस्थ आदमी की स्किन बहुत ही फ्लॉलेस और मुलायम दिखाई देगी, बट यदि आपकी स्किन फ्लॉलेस और कोमल नहीं दिखाई देती है तो इसमें और भी फैक्टर्स का कारण हो सकता है। ऊर्जा का स्तर, एक फिट आदमी बहुत ही ऊर्जावान और एक्टिव दिखाई देता है पूरे दिन के दरमियान, यदि आप झड़े झड़े से महसूस करते हैं तो आप शायद फिट ना हो। मांसपेशियों की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ द मसल्स, यदि आपके शरीर में हाथ पैर पेट इन सब जगह पे अच्छे मसल के डेफिनेशन दिखाई देते हैं तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आप स्वस्थ है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं यदि आपके मांसपेशियां नहीं है तो आप फिट नहीं होंगे। जो अभी मैंने 5 फैक्टर्स बताए, यदि बॉडी बिल्डर्स को उसमें आप रखेंगे तो वो 5 में से मैक्सिमम 3 में ही उत्तीर्ण हो पाएंगे। बॉडी बिल्डर्स को छोड़िए, क्या आप 5 में से 5 ला पाए? जो भी हो, आगे जो टेस्ट मैं आपको बताऊंगा उसमें कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने घर में वो टेस्ट करके ये जान पाएगा कि वो फिट है या नहीं, जिसे आमतौर पे 3-मिनट स्टेप टेस्ट भी कहते हैं। सबसे पहले एक मजबूत एटलीस्ट 12 इंच का प्लेटफॉर्म ले लीजिए। स्टेप नंबर 2, एक घड़ी जिसमें आप 3 मिनट का समय सेट कर सके। सबसे पहले उस पायदानी पे अपना लेफ्ट पैर रखें, फिर राइट पैर रख के उस पे खड़े हो जाएं, फिर लेफ्ट पैर जमीन पे रखें और राइट पैर से उतर जाएं। ये एक साइकिल होगा। इस साइकिल को लगातार आपको 3 मिनट तक बिना रुके करते रहना है, और याद रखें कि एटलीस्ट 24 स्टेप्स हो 1 मिनट के अंदर। स्टेप नंबर 5, जैसे ही आपके 3 मिनट खत्म हो बैठ जाइए, एक टाइमर लीजिए और 60 सेकंड में आपकी हार्ट बीट्स कितनी बार बीट करती हैं उसे नाप लीजिए, और नीचे दिए गए चार्ट का उपयोग करें और अपनी फिटनेस स्तर को अपने हृदय दर के आधार पर निर्धारित करें। उत्कृष्ट, हृदय दर में 31 से 40 धड़कनों की कमी। अच्छा, हृदय दर में 21 से 30 धड़कनों की कमी। सामान्य, हृदय दर में 11 से 20 धड़कनों की कमी। सामान्य से कम, हृदय दर में 0 से 10 धड़कनों की कमी। तो क्या हुआ, आप फिट हुए या नहीं? क्या आपने ध्यान दिया? मैंने आपको 2 तरीके बताए थे अपने आप को फिट देखने के लिए, और दोनों ही प्रकरण में आपने देखा होगा हमने एब्स की कोई बात नहीं की है। फिर भी आज का फिटनेस स्टैंडर्ड है ये ऋतिक रोशन के एब्स, जबकि अगर इनको मूवी न करनी हो तो यही ऋतिक रोशन ऐसे दिखते हैं, तब क्या हो जाता है, ये अनफिट हो गए। बट अगर इनको मूवी मिल जाए तो ये सब कुछ कर लेंगे फॉर दैट वन सीन, और वो सीन खत्म होते ही जैसे थे। और सिर्फ ऋतिक रोशन ही नहीं,
वरुण धवन, अक्षय कुमार एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे के सारे ऐसे ही नॉर्मली अनफिट रहते हैं आपके हिसाब से। सवाल ये आता है कि अगर फिट रहा ही जा सकता है तो ये अनफिट रहते क्यों है? ऐसी क्या बात है ये जो आपसे छुपा रहे हैं? ज्यादातर ऐसी बियॉन्ड इमेजिनेशन फिटनेस स्टैंडर्ड लेके घूमते हैं ऐसे मोटे लोग, और जिसमें इनकी कोई भी गलती नहीं होती है। देखिए, फैट शेमिंग बहुत बुरी चीज है, बट हैविंग अनरियलिस्टिक गोल्स इज इवन वर्स देन दैट। सबसे पहले तो ये लोग अनहेल्दी खा खा के अनफिट हो जाते हैं, और उसके बाद ये सपने देखते हैं सुपर डुपर ट्रांसफॉर्मेशन के। एक सक्सेस स्टोरी जो ये सजा सकते हैं अपने सोशल मीडिया के हैंडल पे, और फिर उसके बाद क्या होता है, लाइक्स कमेंट्स की पहाड़ टाइप की आ जाती है, और ये बन जाते हैं इंस्टेंट सेलिब्रिटी। और ऐसे लोगों को सपने दिखाने वाले भी होते हैं ऐसे ही सेलिब्रिटी फेक ट्रांसफॉर्मेशन से। क्या आपने कुछ गलत सुना? बिल्कुल भी नहीं, फेक ट्रांसफॉर्मेशंस। आमिर खान का दंगल मूवी का ये ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको याद ही होगा, जो उन्होंने 2-3 महीने के अंदर ही अचीव कर लिया था, और जिसको उन्होंने हर मेजर टीवी चैनल पे इंटरव्यू के थ्रू बार बार प्रचारित किया था। तूफान मूवी के अंदर फरहान अख्तर का ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद होगा। इन दोनों ही केसेस में ट्रांसफॉर्मेशन फेक था, दोनों ही केसेस में एनहांस ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था, और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत रिस्की होता है हमारी हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ के लिए। इनके पास डाइटिशियन, डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, शेफ और ट्रेनर्स की फुल टीम होती है, और तब जाके हो पाता है ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन। और ले दे के आपके पास होते हैं या तो गूगल सर्च रिजल्ट्स, या वो यूट्यूबर्स जो इन्हीं सर्च रिजल्ट्स के दम पे ही यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, और ये वीडियोस नॉनसेंस का खजाना होता है। लेकिन 99% लोग इसे ही सच मानते हैं, और वहीं से पैदा होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मैं अभी 89 kg का हूँ और पिछले साल 76 kg का था, लेकिन एक कमेंट आई, सर आप तो खुद ही मोटे हो, क्योंकि मेरे विजिबल एब्स नहीं दिखाई दे रहे थे, मैं मोटा हूँ। इसमें कमेंट करने वाले की कोई गलती नहीं है, उनके हिसाब से यदि एब्स नहीं तो आप मोटे हैं। ये बात आपने मुझसे कह दी, इट्स नाइस, बट एटलीस्ट आप ये खुद से ना कहें। एक जन मुझे हैदराबाद में मिला था, और उस जन ने मुझसे क्या कहा, सर आप तो रियल में कुछ ज्यादा ही तगड़े दिखते हो। भाई मैं एक्सरसाइज करता हूँ, भागता हूँ, स्किपिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ, और 6 feet का हूँ, आपको क्या लगता है मैं पतंग जैसा हूँगा? मोरल ऑफ द स्टोरी है कि फिटनेस जो है वो एब्स से तो बिल्कुल नहीं आती है, आती है तो बहुत सारी एक्टिविटीज करने से। एब्स दिखने के लिए 15% फैट या उससे भी नीचे होना चाहिए, और फिट होने के लिए यहां क्लिक करके देखिए फिटनेस इन फैट परसेंटेज। सी यू नेक्स्ट वन।